गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सर सरअब्दुल सत्तार खान टेंथ इंग्लिश माय इंग्लिश कोर्स बुक इंग्लिश वर्कशॉप चिट चैट एक्टिविटीज एंड वर्ड्स एंड मीनिंग आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक like कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए चिट चैट क्वेश्चन ट्रूथ हैंडीकेप्ट आर दोज हु टू टेक अप चैलेंजेस इवन विथ ऑल दर सेंसेस एंड फिजियोलॉजी इन परफेक्ट कंडीशन अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द अबाउट ट्रूथ यानी जो माजूर लोग होते हैं वो इनकार कर देते हैं किसी भी किस्म के चैलेंज उठाने के लिए बावजूद इसके कि वो हवास बाख्ता होते हैं और फिज़िकली फिट भी होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में वो माजूर होने पर इनकार करते हैं। इस पर बहस करना है हाउ कैन यू इंकरेज सच पीपल टू चेंज एंड बिकम कॉन्फिडेंट इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है अब ये जो टेबल दिया है प्रीवियसली यूज टर्म एंड न्यू पोलाइट टर्म इसके लिए हम इस एक्टिविटी को करेंगे ब्लाइंड विजुअली चैलेंज डीप हियरिंग इम्पैड डम स्पीच इम्पैड मैड इल, लेम फिजिकली हैंडी कैप यानी जो पुराने अल्फाज थे उसको नए अल्फाज से बदल दिया गया है अच्छे अल्फाज, मौजू अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वर्ड्स मीनिंग अल्फाज मानी टू मोर्न सोग मनाना ड्रेडेड खौफनाक अन गैर मुतजल जिल एग्जैम्पलरी मिसाली इसकी स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए एग्जाम्पल आ रही हेल्ड इज्जत दिया जाना ए, एपिटोम मिसाली नमूना एग्जैग्रेशन मुबालगा कॉस्मोलॉजी कायन पर्सोनिफिकेशन तजसी मुजस्सम। क्विर्क ऑफ फेट गैर मुतव मोड़ क्लमसी बेडंगा परफ्लेक्सड हैरान कन फिट ऑफ फ्रेंजी गुस्से से पागल कर देना बोर्ड फ्रॉम द ब्लू नागहानी आफत प्रोग्नासिस मर्ज की आइंदा पेशकश ब्लैक होल खला में सयाह सुराख कन्फाइंड महदूद होना प्रोफाउंड अमीख गहरे मुफीद लियोसिड साफ वाजे क्वाइंटेंस बेहतरीन ट्रू और फॉल्स स्टेट वेदर सॉलिंग स्टेटमेंट्स आर और फॉल्स एट द एज ऑफ सेवेंटीन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग सफरिंग फ्राम एन एक्सट्रीमली रेयर डिसीज़ सत्तर साल की उम्र में स्टीफन हॉकिन एक बहुत ही अजीब बीमारी से दोचार हुए। True। स्टीफन के टीचर्स liked his handwriting very much। False। He got his first he got his PhD studying concept of black holes। True। At the dismal stage, doctor Hawking enjoying his life the most। True। Arrange the following statements according to uh, the occurrence in the life history of doctor Stephen Hawking। यानी ऑर्डरिंग सेंटेंस है इसे में लगाना है, आगे पीछे दिए गए हैं डायरेक्ट जवाब देखते हैं क्वेश्चन वाज बॉर्न ऑन एटी एट्थ जनवरी नाइनटीन फोर्टी टू एट देंड गिव अप लाइक एन एवरेज चाइल्ड एन नॉर्मल टीन एजर सेकेंड एट द एज ऑफ सेवन स्टीफन नोटिस डेट ही फेल्ड ऑनल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीजन 3rd Stephen was diagnosed with a rare disease ALS or L O U 4th Stephen decided to continue his doctoral research work with renewed vigor 5th the disease worked its way into Stephen's body and left him dis disabled 6th though he confined to a wheelchair he worked on computer and expressed his thoughts 7th he became a fellow of the Royal Society एंड अम्बर ऑफ़ दू एस नैशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज एट ही बिलीव एट इन द नेक्स्ट मेले नियमर विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स होमोग्राफ्स है पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको बनाना है कपल माइंड स्पेस साउंड और लिफ्ट लेफ्ट इसके ऊपर आपने uh, दो दो सेंटेंसेस बनाना है चलिए देखते हैं होमोग्राफ्स कपल द बोलर मैनेज टू टेक अ कपल ऑफ विकेट्स यानी यहाँ दो के लिए इस्तेमाल किया है द एल्डरली कपल वॉज टेकिंग अ वॉक इन दार्क यहाँ कपल के मैंने जोड़ी है माइंड यानी जहन देर आर मैनी थाट्स इन हिज माइंड बिफोर ही लेफ्ट इज आउट हाउस यहाँ पर जहन है अब दूसरे में डू यू माइंड इफ आई पुट ऑन द फैन यहाँ माइंड के मैंने तोज्जो करना बुरा ना मानना डू यू माइंड इस्पेस यहाँ पर ख़ला और जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वी शल मेक सम स्पेस फॉर आवर न्यू टेबल और दूसरा है मैन इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन ऑन द मून पहला जगह है और दूसरा खला है स्पेस स्टेशन खलाई जगह और uh, दूसरा है साउंड साउंड यानी आवाज़ द लाउड साउंड एट मिड नाइट स्टार्टल्ड एवरी वन यानि आधी रात को uh, सब uh, जो ज़ोरदार आवाज़ हुई उससे हर कोई uh, परेशान हो गए हिज आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे इन अ डिफरेंट वे साउंडस काउट इंटरेस्टिंग यहाँ पर साउंड यानी लगता है लेफ्ट गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट टू रीच द स्टेशन यानी बाए मुड़िए एज सुन एज ही कम्प्यूटर हिज पी एच डी ही लेफ्ट फॉर यू एस ए इसके माने है लेफ्ट फॉर यू एस ए यानि जाना नखले मकानी मैच द ये ग्रुप को मैच करना है गैलीलियो स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स और स्टीफन फेवरेट सब्जेक्ट तो इसके जवाब हमने दिए हैं पहला है गैलीलियो द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स बिफोर हॉकिंग दूसरा है डस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस तीसरा है ब्लैक होल्स सेंचुरी द कंसेप्टच हेल्प स्टीफन टू गेट हिज पी फोर्थ स्टीफन फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिन करेजियस इसकी छ क्वालिटी लिखना है इंटेलिजेंट करेजियस हम्बल ऑप्टिमिस्टिक अन ग्रेट ऑथर थिंकर साइंटिस्ट वट डू यू नो अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिन स्टीफन हॉकिन के बारे में आप क्या जानते हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न ऑक्सफोर्ड ऑन द एथ जनवरी

इम कायन मे कास्मोलॉजी कायन हिज बॉडी वॉज बाउंड टू अ व्हील चेयर बट हिज माइंड वॉज वर्किंग एंड डेट मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी उनका जहन जो है उनका हाथ पैर जो है बंध गए थे उनके जिसम व्हील चेयर से लग गया था लेकिन उनका जहन काम कर रहा था और वो इस सदी के अजीम तरीन साइंसद बने एज अ चाइल्ड ही हैड अ लॉर्ट ऑफ लॉ फॉर म्यूजिक एंड मैथामेटिक्स हज़ फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन बट ही वॉज बेंट ऑ ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथेमेटिक्स सो ही आफ्टर टू स्टडी इन फिजिक्स उनके वालिद चाहते थे कि वो मेडिसिन में काम करें डॉक्टर बने लेकिन बचपन से ही उन्हें म्यूज़िक और मैथमेटिक्स में का बहुत शौक़ था और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में चूंकि मैथ्स नहीं था इसलिए उन्होंने फिजिक्स को चुना और वो फिजिक्स में पढ़ाई करते थे डू यू थिंक करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग गिव य रेस्पॉन्स क्या आपको लगता है कि हिम्मत और रहना एक बहुत अच्छी चीज़ है येस आई डू थिंक डैट करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग बिकॉज इट कैन वर्क मेराकल्स इन वंस लाइफ हाँ मैं समझता हूँ कि हिम्मत और रहना ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी की ज़िंदगी में जादू ला सकती है तब जादुई तब्दीली ला सकती है आ पर्सन विद ग्रेट करेज इस स्टीमुलेट्सरी और इवन अबल्ड पर्सन टू अचीव द इम्पॉसिबल एक आम इंसान अगर वो डिसेबल भी रहा माजूर भी रहा तो वो भी इम्पॉसिबल चीज़ों को हासिल कर सकता है आई नो ए स्मॉल बायू रेस्क्यू डिज यंगर सिस्टर फॉर्म अ टाइगर फीयर्स अटैक और मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसने अपनी छोटी बहन को एक शेर के पंजे से रिहाई दिलाई अ करेजिस पर्सन इज ब्रेफ अनफ टू डू वट एवर ही फील्स टू बी राइट एंड गुड इन इज़ और हर ओपिनियन एक में, करेज रखने वाला हिम्मत वाला शख्स हमेशा कोई अच्छा कारनामा अंजाम देने की कोशिश कर सकता है क्वेश्चन नंबर टू का सी ए वट डू यू थिंक ऑफ द मिजरीज ऑफ अ पर्सन हु इज़ कन्फाइंड टू चेयर आप क्या सोचते हैं किसी ऐसे आदमी के माजूर आदमी के बारे में जो किसी व्हील चेयर से जखड़ा हुआ है I think the person who is confined to व्हील चेयर हैज़ टू फेस मनी रेस्ट्रिकशन डिफिकल्टीज एंड कन्वीनियंस मुझे लगता है कि जो माजूर शख्स किसी चेयर से जकड़ा हुआ होता है उसे बहुत सारी मसाय मुश्किल का सामना होता है He is mentally and physically depressed all the time. और वो जहनी तौर पर और जिसमानी तौर पर माजूर होता है हर वक्त He is deprived of living comfortable, happy life. और उसे वो खुश -खु, खुशम जिंदगी नहीं गुजार पाता He neither has control over his limbs or nor on his mind और उसका अपने पैरों पर और जहन पर कोई कंट्रोल uh, यानी पकड़ नहीं होती क्वेश्चन नंबर थ्री का ए है वट डज द राइटर से अबाउट द बुक्स ऑथर्ड बाई डॉक्टर हॉकिंग डॉक्टर हॉकिंग की लिखी गई किताबों के बारे में राइटर क्या कहते हैं द राइटर सेज द अबाउट डॉक्टर हॉकिंग बुक्स डेट ही रोड मेनी बुक्स डीलिंग विद इज टेर्रिफिक आइडियाज कीपिंग अ कामन मैन इज माइंड His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non साइंटिस्ट can also understand his writing. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling works of our time. यानी जो मुसन्फ़ है रटर है वो लिखते हैं कि उनकी जो किताबें हैं वो बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ मनसूबों पर काम करती है इंसानी जहन से बात करती है और उसमें तंज़ मज़ा का मुकाबला होता है और उनके लिखने का जो तरीक़कार है बहुत ही साफ और शस्ता है एक आम आदमी भी उसे समझ सकता है उनकी बेहतरीन किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है जो बेस्ट सेलिंग भी रही क्वेश्चन नंबर थ्री का बी विच ऑफ डॉक्टर हॉकिंग्स अचीवमेंट्स आर मेन्शन इन दिस पैसेज डॉक्टर हॉकिंग की कौन सी हासिलात को इस पैसेज में बयान किया गया है डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस अपॉन हिम

वो रॉयल सोसाइटी के भी फेलो रह चुके हैं मेंबर थे यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उनकी सबसे बेहतरीन किताब आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बेस्ट सेलिंग किताब थी क्वेश्चन नंबर थ्री का सी है हाउ डू यू नो डाइट डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ैम्पल ऑफ आफ्टिमिजम एंड होप आपको कैसे समझ में आता है कि डॉक्टर हॉकिंग एक सही मिसाल है एक खुशबी की उम्मीद की राह दिखाने वालों की ही फुल्ली बिलीवड इन इस कर वो अपने भरो अपने आप में पे हिम्मत पर बहुत भरोसा रखते थे हिज इंटेलिजेंस एंड हिज अथॉरिटी इन प्रॉफेंट सब्जेक्ट ऑफ साइंसेस और उन्होंने अपनी जहानत पर बहुत भरोसा था जो साइंस के ऊपर थी तोज्जो थी ही डिड नॉट लूज हिज होप्स उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी इवन वेन ही वॉज सफरिंग फ्राम द ड्रेडेड एल एस डिसीज़ बावजूद इसके कि वो एक बहुत ही मोजी मर से में से जूझ रहे थे ही बिलीव डैट लाइफ वॉज नॉट डिफरेंट फ्राम अदर पीपल और वह यकीन रखते थे कि उनकी ज़िंदगी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नहीं ट्राइड हिज बेस्ट उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारी लाइक अदर पीपल दूसरों के जैसा ही डिड नाट थिंक अबाउट हिज सफरिंग्स और रेग्रेट दिंग्स डेट प्रवेंटेड हिम फ्राम डूइंग द थिंग्स ही होप और उन्होंने अपने जो सफरिंग्स थी उसका उन्हें कोई मलाल नहीं था और उन्होंने हमेशा अपनी उम्मीद को बरकरार रखने की कोशिश की हिज़ ऑप्टिमिज्म हेल्प हिम टू फुलफ़िल हिज होप्स एंड गोल्स और उनकी रोशन ख्याली ने उन्हें बहुत मदद किया कि वो अम्मी अपनी उम्मीद और मखाद को जारी रखे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा